क्या आपका खाता जो है भारतीय स्टेट बैंक पे है और आप जो है कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो और आपने YouTube पे सर्च किया है और आप ये वीडियो पे आए हो। तो आज किस पे हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हो, यहाँ पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा सकते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपका जहाँ बैंक का खाता है वहाँ की जो सर्विस है अच्छी नहीं है, या फिर आपका ATM कार्ड से इशू या किसी भी चीज़ को ट्रांजेक्शन को लेकर प्रॉब्लम है, तो आप कस्टमर केयर को वहाँ पे आप अपनी बातें बता सकते हो कि ICC प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है, या फिर आप जो है अपनी कंप्लेन भी रजिस्टर करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको चाहिए SBI कस्टमर केयर का जो नंबर होता है, हालांकि आपको पासबुक पे मिल जाए। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप गूगल पे सब चीज़ें सर्च मत करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गलत नंबर भी दिए होते हैं। तो सबसे पहले आपको पासबुक में देखना चाहिए, अगर पासबुक में नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे अगर आए हो तो मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ और वो है जो SBI यूनो होता है, जो SBI का जो बैंक है यानी कि SBI का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसका ऐप है, तो उसकी ऐप के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। हालांकि गूगल पे ये सारी चीज़ें आप सर्च कभी मत करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड नंबर दिए होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं और यहाँ पे आपको मोबाइल की लाइव स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे कैसे आपको नंबर मिलेगा कि आप कैसे वहाँ पे अपने कंप्लेन भी रजिस्टर करवा सकते हो और कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हम अपना जो है मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे आप सारी चीज़ें आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दो नंबर है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और जहाँ पे लेफ्ट में आप इमरजेंसी या फ्रॉड कॉल पे इस नंबर पे बात कर सकते हो और फॉर जनरल क्योरीज़ के लिए आप जो राइट नंबर दिया हुआ है राइट साइड में आप यहाँ पे बात कर सकते हो। तो यहाँ पे दो नंबर दिए हैं, हालांकि हम लॉगिन करके आपको दिखा देंगे और लॉगिन करेंगे हम यहाँ पे अपना एप्लीकेशन, उसके अंदर भी एक नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर है और वहाँ पे आप जो है बात भी कर सकते हो। आप SBI यूनो ऐप यूज़ करते हो तो आप कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना जो है ऐप को लॉगिन कर लेते हैं और ऐप लॉगिन करने के बाद आपको जो है सारा प्रोसीजर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो और स्क्रॉल डाउन इसको नीचे करके नीचे पे आइएगा और यहाँ पे देख सकते हो एक टोल फ्री नंबर दिया है कॉल अस करके, और यहां पर आप इस नंबर से भी डायरेक्टली अपने कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। और यहां जैसे आप देख पा रहे हो साइट में 3 डॉट हैं और यहां पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको ओपन हो जाएंगे। तो चलिए हम यहां पे क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही हम यहां पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख सकते हो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है गेट इन टच का, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहीं से आप अपनी जो है कंप्लेन भी कर सकते हो। और यहां पे कंप्लेन के लिए आप किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हो, तो जैसे आप इसको चुनोगे तो यहां पे भी एक नंबर दिया हुआ है, आप इससे बात भी कर सकते हो या फिर आपका इनमें से कोई भी कंप्लेन इस टॉपिक पे आप करना चाहते हो तो कंप्लेन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हो अगर आप SBI यूनो यूज करते हो, नहीं तो आप यहाँ पे इस नंबर से आप कॉल करके अपनी कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हो कि आपका जो सर्विस है आपके बैंक की सर्विस जो है कैसे काम करती है या नहीं करती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट।